देख लिया, पैनिक अटैक हुआ है उसे, अब आराम है। शुक्रिया आप सब लोगों के रवैये का। आखिर आप सबको ये करने की जरूरत क्या थी बताएं? तो क्या करती, उन्होंने सोचा भी कैसे कितना सब होने के बाद मैं उन्हें माफ कर दूंगी। मैं तो तुम्हें भी साफ साफ बता दूं कि सब कुछ मैं याले को फोन करके बता दूंगी। हाँ तो कर लो शौक पूरा करो। जानती हो ना कि याले इतनी दूर होने के बावजूद भी तोरान को इस बात के लिए माफ नहीं करेगी। तो नहीं करना चाहिए था ना उन्हें ये सब कुछ? देखो मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, समझ गए? मैं मानता हूँ कि उससे गलती हुई है, ठीक है। देखो हम सब तोरान को जानते हैं और उसने मान भी लिया कि उसने जो किया वो गलत किया है, और वैसे भी होशो हवास में नहीं था वो। जरा ये तो सोचो यार। कुछ अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रहे हो? हाँ क्या मतलब होश में नहीं था? हाँ तुम तो अच्छे से जानते हो कि होश में होना ना होना क्या होता है, तुम्हारे साथ तो ये हो चुका है। और तुम यहाँ हमारे साथ क्या कर रहे हो? जाओ अपने दोस्त के पास जाओ, उसे जरूरत है तुम्हारी। यार क्या तुम घुमा के हर बात मेरे ऊपर ले आती हो, मेरा क्या कसूर है? तुम जानते नहीं हो कैसी औरत है फरीदा, ये सब किया धरा उसी का है और किसी का नहीं। तो तुम्हारा मतलब कि तुरान भी बहुत मासूम है ना? मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा, सुन रही हो? सिर्फ ये कह रहा हूँ कि दूर रहो उनके मामले से। उसका मसला है, उसकी बीवी, उसने कुछ सोच रखा होगा ना, हम क्यों मुदाखलत करें? हो सकता है तुरान खुद ही जब याले वापस आए तो उसे सब कुछ बता दे, कोई तो तरीका सोच रखा होगा ना उसने याले से शेयर करने के लिए। जरा आओ तुम मेरे साथ। हाँ क्या गलत कह रहा हूँ मैं? हाँ चलो उठ जाओ, आ जाओ बताती हूँ, हम बात करते हैं ना आराम से, आ जाओ। ठीक हो ना समरा? मैं तो बिल्कुल बेकार हो गई हूँ जमील। क्या हुआ है? तो तुम चाहते हो कि मैं खामोश रहूं? हुँ? क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि ये बात मैं अपनी दोस्त को बताऊं? अगर नहीं बताती तो क्या फर्क रह जाएगा मुझ में और दूसरों वो में? खुद ही संभाल लेगा, तुम घर खराब करोगे उसका? हा? इस हाल में इन्हीं फजूल चीजों को लेकर सोचती रहो, अपना ख्याल नहीं रखो, ठीक है? अपने मसाइल खत्म हो गए हमारे? जो इस तरह से दूसरों के मसाइल में घुसने की कोशिश कर रही हो, उनके मसाइल है ना, वो खुद ही देख लेंगे, खुद ही संभाल लेंगे। तुम चाहते हो कि उसके सारे एहसान भूल जाऊं मैं, जिसने हर सुख दुख में साथ दिया मेरा। हद होती है खुदगर्जी की। और यहाँ हमारे दोस्त इतने ज्यादा परेशान हैं और तुम चाहते हो कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूं? ऐसा कैसे हो सकता है? बस कर दो मेरी बात सुनो, मैं जानता हूँ तुम्हें उसे ये सब बताकर क्या हासिल हो जाएगा। हा? किसी की तलाक हो जाए तुम्हारी वजह से बहुत अच्छा लगेगा। मेरी वजह से नहीं, उनकी खुद की हरकतों की वजह से होगी तलाक। अगर तुरान भाई इतनी बड़ी गलती नहीं करते तो ना समरा का एक्सीडेंट होता और ना हम दोनों यहाँ पर खड़े होकर लड़ रहे होते। सब ठीक तो है? क्या मैं कोई मदद कर सकती हूँ? नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों का मसला हम संभाल लेंगे। अगर यहाँ कोई मसला है तो बता सकते हैं मुझे। नो नो शुक्रिया, सब ठीक है, आपस का मामला है, बस यूं ही थोड़ी बातचीत कर रहे थे हम दोनों, और कुछ नहीं शुक्रिया। ठीक है। फिजा क्या क्या करिए तुम यार, तुम्हें तो उससे सॉरी करना चाहिए, उल्टा सुना रही हो तुम उसे ऐसे। वो कलीग है मेरी, सुना? हाँ तो यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ अपनी कलीग के पास तुम, मैं अंदर जा रही हूँ अपने दोस्तों के पास। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है नजमा। अब देखिए मैं अपनी बीवी को लाने की कोशिशों में लगा हूँ। बिल्कुल फिल्म की तरह की कहानी लगती है मुझे। हाँ फिल्म की तरह, बिल्कुल एक फिल्म की तरह। ये लोग कहाँ गायब हो गए? अभी यही तो थे सब। यहाँ तो नहीं है वो, तो यहाँ पर भी नहीं है। अरे चाबियां कहाँ हैं? दरवाजा तो लॉक था, ताला कैसे खोला? अरे फखरी फखरी कितना बदतमीज और घटिया इंसान। हाँ यकीन था पैसे लेने गया होगा वो, पैसे लेने गया होगा। नजमा साहिबा क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकती हैं? जी जी बिल्कुल बोलिए। मेरे वापस आने तक क्या आप इस बच्चे का ख्याल रख सकती हैं? हाँ बिल्कुल, आप फिक्र मत कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। तुमने ऐसा क्यों किया फखरी? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कितने घटिया इंसान हो तुम, तुम इस तरह से मुझे बेवकूफ बनाकर नहीं जा सकते। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। एक मिनट जरा मेरी बात सुनिए। क्या आपने यहाँ किसी घूंगर याले बालों वाले इंसान को देखा है? उसके साथ दो छोटे बच्चे भी हैं और एक लंबा सा लड़का, आपने देखा है कहीं? मैंने नहीं देखा। ठीक है बहुत शुक्रिया, पता नहीं कहाँ चले गए। भाई जरा मेरी बात सुनना, मैं फखरी को ढूंढ रहा हूँ। क्या आपने देखा है उसे कहीं? उसके घूंगर याले वाले, उसके साथ दो छोटे बच्चे भी थे और एक लड़का था, जरा लंबा सा था उसका, बड़ा अजीब सा और अहमक सा। क्या आपने देखा इस तरह के किसी लोगों को? नहीं तो मैंने नहीं देखा। बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताइए यहाँ करीब में कोई बैंक है क्या? जी है, वहाँ सामने से राइट साइड पे मुड़ जाइए। भाई तुम्हारा बहुत शुक्रिया। क्या बात है? हाँ शुक्र है मुझे मेरे पैसे तो वापस मिल गए आखिर। उसके यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं होता। अंकल आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बैग काफी भारी है, ये मैं उठा लेता हूँ। चलो फौरन अपना हाथ हटाओ, मेरी तबीयत ठीक हो गई है, बिल्कुल ठीक है। हटो बाबा।
चले फिर पूल वाला घर खरीदने चलते हैं। इस बात का क्या मतलब है? हो सकता है मुझे मंजूर ना हो कि मेरे पैसों से घर खरीदा जाए। हाँ, लेकिन हमारी बात तो हुई थी। ये बात कब हुई नहीं याद मुझे। ठीक है तो ये बैग मुझे दे दे। अंकल बैग भी मैं उठाऊंगा इसे। छोड़े अंकल। बाबा बाबा रुक जाए। मेरे प्यारे अंकल बात तो सुने, पैसे लेके अकेले नहीं जाने दूंगा मैं आपको। और ना मैं आपको। हाँ हाँ ठीक है चलो साथ चलिए। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो उस आदमी को देखो वो कैसे हमें देख रहा है। मुझे तो उसकी आंखों में लालच दिखाई दे रहा है कहीं वो पैसे न छीन ले। सारा टाइट पकड़ना। एक मिनट देखो उसकी तरफ देखो। कौन सा आदमी? वो देखो। रुके अंकल मेरे पैसे कोई पीछे ना आए। यहाँ चुप जाता हूँ। चलो 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 जल्दी चलाओ यार मेरे पीछे गुंडे लगे हुए। चलाओ अभी नहीं चलेगी बस जब तक पूरी नहीं भर जाती। क्या मतलब? चलाओ पैसे मैं दे दूंगा। तुम दोगे सबके पैसे? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? कहाँ जा रहे थे अंकल? बाबा कैसे हैं आप? तो क्या हम लोग अपना पूल वाला घर खरीदने जा रहे हैं बाबा? जब आपने इस तरह अचानक भागना शुरू कर दिया तो हमें लगा आप फरार हो रहे हैं। हमारे बाबा हमें धोखा थोड़ी देंगे, है ना बाबा? हाँ हाँ बिल्कुल। हद है यार। रुको कहाँ जा रहे हो? अरे भाई दरवाजा खोलो, वो पैसे लेकर भाग गया। सारे खोलो खोलो दरवाजा। बस चलाओ तुम्हें ना तो कहा था अभी। अब क्या हो गया तुम्हें? एक दफा सोच लो करना क्या है। जाना है दरवाजा खोलो यार। चले बाबा। अर्चलान अर्चलान कहाँ भाग रहे हो? मेरे पैसे मुझे वापस करो। रुको तुम इस तरह से पैसे लेकर नहीं भाग सकते, इसमें मेरा हक है। अर्चलान अरे कहीं पागल तो नहीं हो गए तुम लोग? रुको अर्चलान भाई किरण जल्दी। पैसों के लिए एक दूसरे की जान के दुश्मन हो गए तुम लोग। अर्चलान भाई रुक जाए। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मेरे पैसे वापस करो। अर्चलान तेरे पैसे वापस करो यार, रुक जाओ। पता नहीं क्या बने गए लोगों का। रुको। फिजा उसको सब कुछ बता के ही रहेगी। यार मैंने अपनी कोशिश करके देख लिया लेकिन मान नहीं रही वो। यार भाई इस बात को राज रखने के लिए हम आपा पे जोर नहीं दे सकते। आखिर आप लोग इस बात को इतना बड़ा मसला क्यों बना रहे हैं? उसे अपना क्यों नहीं लेते? अच्छी लड़की है वो। दिया क्या इन्हें यकीन है कि याले कभी वापस आएंगी या नहीं? अरे यार तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, हद हो गई है। याले तो वहाँ पर पैसे कमाने के लिए गई है, आना तो उसे यही है। अच्छा तो वो कहाँ है? वैसे एक बात बताऊँ मैं आपको, आप है कि यहाँ बैठ कर अपनी बेगम को धोखा देने में लगे हुए हैं और वो है कि वहाँ पर पैसे कमाने में लगी हुई हैं, तो माफी कैसे होगी फिर? साफ नजर आ रहा है कि आपकी शादी पहले ही खत्म हो चुकी है। नहीं ऐसा कैसे नहीं, हो सकता है यार। तुम लोग दिया की बातों पे ध्यान मत दो, ये बहुत मुख्तलिफ दिमाग की है और जो इसके दिल में आता है बोलती चली जाती है। अच्छा ठीक है ना ठीक है, ऐसा भी कुछ नहीं है यार। मैं बहुत चाहता हूँ याले को, बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं उससे। मैं ऐसी औरत पे कैसे भरोसा कर सकता हूँ जो मुझे हर वक्त धोखा देने में लगी रहती है। तो आप उस औरत को तरजीह देंगे जो आपको छोड़ के जा चुकी है बजाय उस औरत के जो आपके लिए इतना कुछ कर रही है। रहमत यार जरा समझाओ इसे, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ उससे यार, कैसे छोड़ सकता हूँ मैं उसे। हाँ ऐसे ही सही कह रहा है ये बहुत चाहता है उसे। हाँ। बहुत मोहब्बत करता है उससे, ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए हमें। सुनो तुम्हें परेशान नहीं होना, समझ गए? घर जाओ आराम करो जाके, ओके? हर चीज ठीक हो जाएगी, समझ गए ना? ठीक है चलो ख्याल रखो। ठीक है जैसी आपकी मर्जी, लेकिन आप बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं फरीदा के साथ। हेलो हेलो सर, मुझे वो बिल देना है उस टेबल का। जी ठीक है। कोड डाल दे सर। इसमें तो पैसे ही नहीं है सर। क्या कहा? आउट ऑफ बैलेंस है। बासित क्या हुआ? कार्ड चल ही नहीं रहा है हमारा। कैसे हो सकता है? कोई चिप का इशू होगा यार, हो सकता है बाद में ट्राई करो तो पैसे निकल आए। लेकिन ऐसा तो कभी भी नहीं होता। खैर मैं दे दूं अभी। ये ले कितने पैसे हुए बता दे। जल्द ठीक हो जाएंगे। शुक्रिया शुक्रिया आपका।
तुरान भाई बहुत शर्मिंदा है अपने किए पर, और फरीदा से क्या शिकायत करनी, वो तो है ही ऐसी, उसने तो करना था ये। सही कह रही हो, उसके लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है, मुझे तो बस तुरान भाई की फिक्र हो रही है। लेकिन उसने तुम्हें लिवर दिया है अपना, और वो जरा भी नहीं हिचकिचाई समरा। हाँ खुश रहे वो। फरीदा खतरनाक है बहुत, उसने तुरान के मोबाइल में याले के नाम से अपना नंबर सेव कर दिया, तो तुरान क्या करता, उसे लगा याले ने मैसेज किया इसलिए सब कुछ हुआ। अच्छा तो तुम भी अब तुरान भाई का साइड लोगे जमील? अच्छा चलो मान लेते हैं कि याले ने उन्हें मैसेज कर ही दिया था, तो क्या इंतजार कर रहे थे तुरान भाई उसके मैसेज का? मेरा मतलब ये नहीं है। तो क्या ये बात हमें याले को बतानी चाहिए? समरा हम उसे जरूर बताएंगे, इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकते हैं? अब सोचना ये है कि कैसे बताएंगे उसे। क्या हुआ? पैसे गायब हो गए। ये क्या कह रहे हो? फिजा हमारे अकाउंट में पैसे नहीं है, सारे पैसे फखरी साहब के अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं। ये क्या कह रहे हो? तो मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। जानता हूँ मैं यार, पता है। तो वो पैसे हथियाने में कामयाब हो गए, लेकिन बाबा को तो ये सब कुछ करना नहीं आता। वो है ना अरसलान, और उसके साथ बच्चे मिल गए। बच्चों का भी इस्तेमाल किया होगा उन्होंने अपने फायदे के लिए। हारी हो गई, तुम यहीं पर हो ना जमील? हाँ तुम जाओ, जमील है मेरे साथ। मैं यहीं हूं, तुम पुलिस की मदद चाहिए तो मुझे बता देना, मैं कॉल करूंगा। ठीक है। ये तो होना ही था। अल्लाह पूछे आपको फखरी बाबा। शुक्र है जान छुटी। कहाँ चला गया वो? बाबा बाबा कहाँ है? कहाँ है अरसलान भाई? मुझे नहीं पता, मिलकर ढूंढते हैं उसे, हर तरफ तलाश करना है। तुम उधर जाकर ढूंढो, तुम इस तरफ जाओ, मैं इधर देखता हूँ कहाँ जा सकता है। अरसलान भाई कहाँ है आप? मेरे भतीजे। बिस्मिल्लाह। मेरा पैर। अस्सलाम के बच्चे, पैर तो सही। तुम भी उन बेवकूफों के साथ मिल गए? ये बताओ पैसे बाबा कहाँ हैं? पैसे बाबा मैं तुम्हें छोड़ूंगा। बाबा मेरी बात सुने। छोड़ो मुझे। बाबा अम्मी का इंतजार करना छोड़ दें, हम कहीं चलते हैं साथ। क्या? वो आपको छोड़ के जा चुकी है तो आप क्यों उनके लिए इतने पापड़ बेल रहे हैं? मेरे साथ चले, मैं करवाऊंगा आपकी शादी। नई माले कराओगे अपने लिए? हाँ। क्या वाकई में? शानदार सा वलीमा करूंगा आपका। अब अम्मी का पीछा छोड़ दे, मैं हूँ ना आपके साथ। मेरा यकीन करें, एक बहुत ही प्यारी सी औरत ढूंढूंगा आपके लिए मैं। वैसे भी जब अम्मी आपके साथ रहना ही नहीं चाहती तो आप क्यों उनका इंतजार करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? और आपके भाई को तो जानते हैं ना, धोखेबाज इंसान है, इन्हें भी छोड़ दे, इनके हाल पे ये नहीं सुधरने वाले। बात माने मेरी, चले आप मेरे साथ। सोचने दो जरा। चलेंगे साथ। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, पैसों के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल अपने चचा फखरी पे गए हो तुम। लालची इंसान अपनी माँ को छोड़ने की बात कर रहा है, हड्डियों का छुरमा बना दूंगा मैं तेरी। लाओ पैसे दो मुझे। नहीं दूंगा। और सलाम, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, छोड़ो उन पैसों को। छोड़े आए भर नहीं माँ का ख्वाब देखने वाले। बाबा अंकल बाबा हमने हर जगह देख लिया, नहीं मिला। चला गया। जल्दी आए अंकल। ये तो अरसलान की आवाज़ है, वो रो रहा है। इतने पैसे लेने के बाद कौन रोता है? आपने सुना, बुला रहे हैं आपको। मैं जानता था बुलाएगा मुझे, इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। आ जाओ किरण। अंकल लाओ निकालो मेरे पैसे दो। बाबा मुझसे सारे पैसे छीन के ले गए। वो घर जा रहा होगा, मुझे शॉर्टकट पता है, उसे पहले ही पकड़ लेंगे। अंकल रुके, वादा करेंगे वो पैसे आप मेरे साथ आधे आधे बांटेंगे। अरे छोड़ो मुझे। अगर पैसे उनके पास है तो हमें नहीं देंगे। किरण मेरे पास एक प्लान है। इतनी बड़ी रकम हाथ आने के बाद पता नहीं क्या कर रहे होंगे बाबा। अगर तो पैसे मिल गए होने तो बच्चों को साइड पे करके निकल गए होंगे, और देख लेना बच्चे रो रहे होंगे घर बैठे। अगर ये नहीं भी रो रहे होंगे ना तो इन्हें तो आज मैं रुलाकर ही छोड़ूंगी। पापा की हरकतें जानते हुए भी क्यों साथ दिया इन्होंने उनका। तुम्हारी भी गलती है, सुन रही हो? थोड़ा बहुत खर्च तो करती तुम उन पे, यही नतीजा निकलेगा ना जब इतना तरसा के रखोगी तो। क्या मेरे बहन भाइयों को तुम मुझसे बेहतर जानते हो? पैसे देखते ही कितना उछलने लगते हैं वो नजर नहीं आता तुम्हें? नजमा साहिबा, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मैं तो यहाँ समरा की खैरियत मालूम करने आई थी, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, तो बच्चे कहाँ हैं? वो बच्चे फखरी साहब के साथ कहीं भाग गए हैं, और जैन साहब बहुत गुस्से में उनके पीछे गए हैं, शायद पैसों की कोई बात है। क्या बस देख लिया तुमने कितने पागल हो जाते हैं?
क्या हमें पुलिस को कॉल करनी चाहिए? हाँ, तुम्हें क्या लगता है, क्या पुलिस हमारी मदद कर सकती है सब में? कुछ नहीं जानता हूँ मैं, तुम्हारे बहन भाई हैं, देखा जाए तो तुम बेहतर जानती हो उनके बारे में। तो क्या गलत कहा था मैंने? और ये कोई वक्त है जो तुम ताने दे रहे हो मुझे? कर दी ना एक और गलती, अब पता नहीं क्या नया गुल खिलाएंगे ये। ये सब कुछ पहले सोचती, पैसे होने के बावजूद भी तुमने बच्चों को गुर्बत में रखा हुआ था। तुम्हें पैसे क्या करने हैं, बच्चे तो नहीं समझते ना, उन पे खर्च नहीं करोगे तो यही करेंगे। मैं अपने बहन भाइयों के फ्यूचर का ख्याल रख रही हूँ, समझे तुम, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली के आने वाले कल की फिक्र है। पता है मुझे, पता है मुझे, और मुझे फिक्र नहीं है। हाँ, कौन हूँ मैं? हाँ, हमारे होने वाले बच्चे का बाप हूँ मैं, न जाने एक फैमिली कब होंगे। ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं कहा, कैसी फजूल बातें कर रहे हो तुम। बेवकूफ समझते हो तुम लोग मुझे, देखा ना मैंने कैसा पकड़ा तुम लोगों को। तुम समझ रहे थे कि ये पैसे लेकर फरार हो जाओगे। शुक्र है अल्लाह का कि उसने बचा लिया इन पैसों को। ये पैसे मैं अपने अकाउंट में डालूं या इन लोगों से छुपा के कहीं रखूं? फिजा को इतनी समझ अभी कहाँ है कि वो फखरी का मुकाबला कर सके। हाँ अंकल, अंकल मदद करें मेरी। किरण, हाँ किरण, किरण क्या हुआ मेरी बच्ची, क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम्हारे बाप ने किया? जी हाँ, उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी मैं, तो उन्होंने मुझे धक्का दे दिया ताकि उनका पीछा न कर सकूं। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कितना घटिया इंसान है ये, कितना घटिया इंसान है, कोई अपनी औलाद के साथ भी ऐसा कर सकता है। चलो उठो बेटा, शाबाश, हिम्मत करो, ये फखरी मिल जाए मुझे। नहीं जा रहा मुझसे। शुक्रिया अंकल, भागो फारूक भागो। रुको, इस लड़की की मदद करके कितनी बड़ी गलती की मैंने। रुक जाओ जरा, बेवकूफ बनाया तुम लोगों ने मुझे, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम लोगों को। फखरी की औलाद है ना, उसी की तरह चीटा निकली है। पैसे आ गए हमारे पास किरण, अब जो चाहे वो लेंगे हम। वैसे फारूक, अब सारे पैसे तो हमारे पास आ गए हैं, तो क्यों ना मैं कांटी वाला घर खरीद लें? हाँ बिल्कुल, जो घर चाहे खरीद सकते हैं। क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो, छोड़ो हमें। क्या बाबा, पकड़े गए ना छोटे गद्दारों, देखा बाप के साथ ऐसा करते हो तो ऐसा ही होगा तुम्हारे साथ। छोड़ो, निकालो हमें यहाँ से। लड़को निकलो यहाँ से, ठीक तो हो ना तुम लोग? बच्चों तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? ओह इधर जल्दी बताओ, बैग कहाँ है? बाबा ले गए, बैग लेके भाग गए बाबा। किस तरफ भागे हैं वो? वो उस तरफ। जल्दी पकड़ो उसे, कहीं वो सारे पैसे उड़ा ना दे। आ जाओ। बताया था ना मैंने तुम्हें, समझाया था, बड़ा घर होना चाहिए, सेपरेट रूम्स होने चाहिए, परवरिश अच्छी होनी चाहिए उनकी, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी और अपनी जिद पर कायम रही। क्या कहा तुमने? मैंने तुमसे कहा नहीं था कि बच्चे थोड़े समझदार हो जाएं, उसके बाद हम एक बड़े घर में शिफ्ट हो जाएंगे? तो ये बात बच्चे जानते थे क्या? यहाँ बात ये नहीं है कि वो जानते थे या नहीं, हम उन्हें सिर्फ सबक सिखाना चाहते थे। वाह क्या बात है, सबक सिखा दिया उनको, बहुत ज्यादा सीख गए हैं सबक तुम्हारा, अब तो खुश हो? क्या हो गया है, इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हो? किस हाल से गुजर रहे हैं ये जानता हूँ। वाह क्या बात है तुम्हारी, मुझसे बस तुम ये चाहते हो कि जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दूं मैं, बच्चों का जो दिल चाहे वो करे। तुरान भाई जिसके साथ चाहे रहे, उनकी बीवी जर्मनी में, वो मेरी दोस्त है, लेकिन मुझे क्या फर्क पड़ता है किसी की जिंदगी में कुछ भी हो रहा हो। और वहाँ बात बात पर नरमीन मेरे शोहर के साथ अपने किस्से सुनाना शुरू हो जाती है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए मुझे इन सारी बातों का, जिसका जो दिल चाहे वो करता रहे। अच्छा बस बात सुनो मेरी, समझ गया मैं, इसका फायदा नहीं, समझ गया मैं, यू बहस तो खत्म नहीं होगी, अच्छी तरह जानता हूँ। बच्चों को तलाश करना चाहिए, ठीक है? अच्छा तो ठीक है फिर, तो बताओ कहाँ ढूंढेंगे हम? मुझे क्या मालूम। तौबा है, कितना लड़ती है ये तुमसे, बस अल्लाह ही तुम्हारी मदद करे। यही रहिएगा प्लीज, और इसमें का ख्याल रखिएगा। फिक्र मत करो। ठीक है, सी यू। क्या हमेशा ये ऐसे ही लड़ते हैं? फखरी रुक जाओ, रुक जाओ। मैं नहीं लेने दूंगा तुम लोगों को पैसे, ये पैसे मेरे। बाबा बैग मुझे दे दो फखरी, इन बच्चों के ये पैसे मैं तुम्हें बर्बाद नहीं करने दूंगा। अंकल मैं आपको भागने नहीं दूंगा। क्या लगता है फखरी, क्या तुम यहाँ से निकल पाओगे? पीछा मत करो, वापस चले जाओ। ऊपर से निकलने का कोई रास्ता नहीं है फखरी, वहाँ से कहाँ जाओगे तुम? मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँगा, लेकिन मेरा पीछा करना छोड़ दो, जाओ यहाँ से। तुम बचकर कहीं नहीं जा सकते फखरी, देखना मैं। अंकल आप इस तरह से मेरे पैसों को लेके भाग नहीं सकते। कहाँ जाओगे बच के, यहाँ से कोई रास्ता नहीं बच निकलने का। रुक जाओ, पैसे मेरे मेरे पैसे ये बताओ, लाओ ये पैसे। ये क्या कर रहे हो तुम, मैं ये पैसे तुम्हें नहीं दूंगा। ये मेरे पैसे, मैं तुम्हें इनको बर्बाद नहीं करने दूंगा। क्या कर रहे हैं आप लोग, इस तरह से करेंगे तो बैग पड़ जाएगा, सारी मेहनत जाया हो जाएगी। बाबा छोड़ो इसे, मुझे छोड़ो इसे।
ये मेरी मेहनत की कमाई है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। जाओ यहाँ से, ये पैसे मेरे, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगा। पागलों वाली मत करो, ये बैग मुझे दो। ऐसा ना हो, ये बैग छोड़ो, से खुदा के लिए ऐसा नहीं करें। फट जाएगा ये, छोड़ दो इसे। मैं कह रहा हूं बैग छोड़ो बकरी, बैग छोड़ो। सारे के सारे पैसे, हमारे पैसे उड़ गए सारे। दिल खुश हो गया तुम्हारा? भाओ जाओ, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। चलो चलो जल्दी चलो, हमारे पैसे उड़ रहे हैं। रुक जाओ, रुको, ये हमारे पैसे हैं, कोई नहीं लेना। रुको, हटो पीछे। ये क्या हो रहा है? वापस दो मुझे पैसे। हटो हटो, ये मेरे पैसे हैं। हटो, ये हमारे पैसे हैं। दो मेरे पैसे। ये हमारे पैसे हैं, मुझे दे। छोड़ो। बच्चों, फरुख और किरण को देखा है तुमने? नहीं देखा। कहाँ चलेगा यार? उफ, इस तरह कहाँ जा सकते हो यार? बासित, अरे यार कब से फोन कर रहा हूँ तुम लोगों को, तुम लोग फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? हिम्मत कैसे हुई हमें फोन करने की? अरे छोड़ो मैं तुम्हें। दरअसल जो नई बिल्डिंग बनी है वहाँ पर तुम्हारे बहन भाई पैसे उड़ा रहे हैं। क्या? किस तरफ है, कहाँ? जो वहाँ नई बिल्डिंग बन रही है। देख रहे हो उनकी हरकतें, और तुम मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे। आ जाओ, इन सब लोगों ने तुम्हारे पैसे ले लिए। थोड़े से पैसों के पीछे जानवर बन गए तुम लोग। हाँ, मगर सुधारना आता है मुझे तुम जैसों को। कुछ नहीं कहना। मैंने तो पूरी कोशिश की इनको रोकने की, लेकिन बेटा ये सब कुछ तुम्हारे बाप की वजह से हुआ है। लाओ, छोड़ो, दो मुझे। पागल हो गए थे, पैसों के पीछे किस हद तक चले गए तुम लोग। घर चलो, फिर देखना क्या हाल करती हूँ तुम लोगों का मैं। तुम्हें जाकर उसको संभालना चाहिए। कैसे संभालूंगा मैं इसे? देखो तो, पैसे जब से आया ना यही हाल है इसका। छोड़ दो इसका। वो माँ बनने वाली है इसलिए कह रहा था मैं। सारे पैसे निकालो जेब से। ये ले, वैसे भी पैसे आपके पास ला रहा था। रुके और हैं। हाँ, सबसे ले लो, सबसे ले लो, मेरे पास भी कुछ पैसे हैं। हाँ, ये भी ले लो, मैं तो यहाँ पर इन पैसों को बचा रहा था। हैरत है यहाँ कैसे पहुँच गए। पैसों के पीछे किसी भी हद तक जा सकते हैं। बच्चों को भी अपने साथ ले आए आप। तो किसने कहा था आपको हमसे पैसे छुपा के रखने के लिए? क्या कह रही हो? किरण सही कह रही है आपा, आप क्यों उतर सा रही है हमें इतने पैसे होने के बावजूद? खुश रहना चाहते हैं हम। तुम्हें लगता है ये पैसे तुम्हें खुश रख सकते हैं? जवाब दो मुझे। ख्वाहिशें पूरी करें, खुश क्यों नहीं होंगे? रहने दो फिजा। बस तुम एक मिनट रुक जाओ यार। क्या खरीद लोगे तुम लोग इन पैसों से? हाँ, क्या ही खरीद लोगे? इसे एक आलिशान घर खरीदेंगे आपा। और इस घर में रहोगे किसके साथ? हाँ, इसके साथ रहोगे जिसे मार रहे थे तुम, या फिर बाबा के साथ रहोगे जो तुम्हें मार रहे थे, या फिर मेरे साथ रहोगे जिससे पैसे चुराए हैं तुमने? ये सब कुछ आपको हमसे पैसे छुपाने से पहले सोचना चाहिए था। किरण, किरण तुम लोग कभी भी इंसान नहीं बन सकते हो। चलो मेरे साथ, चलो, ले जाओ इन्हें अपने साथ और इन्हें सख्त से सख्त सजा देना, लेकिन मेरे पैसे तो मुझे वापस दे दो यार। देखो मुझे फिजा बाजी, बच्चे कितने शरारती हो गए। आपकी वजह से आज इस हालत तक पहुँचे मेरे बहन भाई, छोड़ूंगी नहीं मैं किसी को। मेरे पैसे उन्हें कहाँ लेकर जा रही हो तुम? कर देंगे आप, हद होती है हर बात की। क्या कर रहे हैं ये, कभी बड़े होने का भी सबूत दे। हद यार, देखो तो उसे जरा,
कितनी मेहनत की हमने इन पैसों के लिए और वो आई और आकर अपने साथ सारे पैसे लेकर चली गई। मेरी कोई गलती नहीं थी। जान ले लूंगा मैं तुम लोगों की, चुप कर जाओ, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जाओ बेटा तुम जाओ। शाबाश फिजा, वो मेरी मेहनत के पैसे प्लीज वापस दे दो। शुक्र है बच्चे मिल गए तुम्हें। कमरे में जाओ तुम दोनों अपने। हमने ऐसा क्या कर दिया? किरण, कुछ और कहा तो मार खाओगे तुम दोनों मुझसे। नजमा साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, हमने आपको बहुत जहमत दी। अरे नहीं, क्या कह रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं। इस्मत बेटा, आप भी जाइए कमरे में। ठीक है। आ जाओ, सुकून से बैठ जाएगा। बच्चों की हरकतें देख के कैसे सुकून से बैठूं मैं? आज देखा तुमने कैसे भूखे भेड़ियों की तरह पैसों के पीछे भाग रहे थे। हाँ देख लिया, बात सुनो, खुद को तकलीफ देने की जरूरत नहीं। तुम इस वक्त सब सहने की कंडीशन में नहीं हो, कम से कम हमारे बच्चे का ही ख्याल करो यार। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या करूं मैं। मुझसे नहीं, बैंक से पैसे चुराए हैं इन लोगों ने, मैं क्या करूं इनके साथ अब? बस ठीक है, इतना मत सोचो, जो होना था वो हो चुका है। अच्छी जिंदगी देंगे उन बच्चों को, हाँ? क्या ख्याल है? नहीं, जब भी हमारे पास पैसे आते हैं ये पागल हो जाते हैं। इनकी फरमाइशें पूरी करने के बजाय हमें इन्हें सबक सिखाना चाहिए। वैसे रास ही नहीं आते हैं हमें शायद पैसे। तुम बिना बाज नहीं आती फिर से शुरू हो जाती हो। हमें क्या करना चाहिए जानती हो? आग लगा देते हैं पैसों को, ना तो पैसे होंगे ना कोई मसला होगा। अब ऐसा कब कहा मैंने? हद है यार, एक तो इन्होंने बैंक से चोरी छुपे पैसे निकाल लिए और तुम चाहते हो उन्हें सजा भी ना मिले, और मुझसे चाहते हो कि मैं इन लोगों की फरमाइशें पूरी करूं। तुम ही बता दो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्योंकि मैं तो जो भी करती हूं तुम्हें हमेशा गलत ही लगता है। अगर इस मामले का हल तुमने पहले निकाला होता तो हम आज इस हाल को ना पहुंचते। इस जिद की वजह से हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। अपने बहन भाइयों के फ्यूचर का फैसला सिर्फ मैं ही करूंगी, समझे तुम? और इसके लिए मुझे किसी के भी मशवरे की जरूरत नहीं है। ठीक है फिजा साहिबा, जो अच्छा लगे वो करो। वैसे मैं लगता भी क्या हूं किसी का। हाँ नरमीन। शिराज, तुम्हारी शिफ्ट तो नहीं है, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? अच्छा सुनो, आज रात की शिफ्ट कर लूंगा मैं, जाना तो चले जाओ, रेस्ट करो जाके। नहीं, तुम ये शिफ्ट नहीं कर सकते, तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है, उसे जरूरत है तुम्हारी। क्या लड़ाई हुई है तुम दोनों की? नो, ऐसा नहीं है, वो यूं है कि वैसे भी मेरी नाइट शिफ्ट शुरू होने वाली है तो सोचा दोस्त भी यहाँ है तो अच्छा हो जाएगा, और समरा का भी ख्याल रख लूंगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, वैसे बहुत थक गई हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, चलो फिर जाओ, एंजॉय करो। ठीक है ठीक है। हाय, बेड पे बीमारों की तरह लेटे लेटे बोर हो गई हूँ मैं जमील, नहीं रहा जा रहा अकेले। क्या हो रहा है, आप इसे दोबारा यहाँ क्यों लेकर आ गई? समरा सो रही है, ये चीख कर जगा देगी उसे। जमील, तुम लोग मुझे इस हालत में कैसे छोड़ सकते हो? आज जो समरा जिंदा है वो मेरी वजह से है, भूलो मत। हाँ। जमील, इसे आने दो तुम, आखिर इसने जान बचाई है मेरी। समरा की बात मान लो जमील, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, यकीन करो, एक गिलास पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं है। समरा देखो, मैं नहीं चाहता कि इसकी वजह से दोबारा तुम्हारी तबीयत खराब हो। कुछ नहीं होगा, मेरी फिक्र नहीं करो तुम, हमें इसके साथ ऐसा सुलूक नहीं करना चाहिए, इसका एहसान है हम पर। आ जाओ यहाँ, लेकिन एक बात है, कोई भी उल्टी सीधी बात मत करना तुम मुझसे। ठीक है परेशान मत हो, मैं चुप रहूंगी, मेरा भी तो ऑपरेशन हुआ है, तकलीफ हो रही है बहुत मुझे, यहाँ सुकून से सो जाऊंगी, मैं तंग नहीं करूंगी। मदद करना मेरी, तकलीफ से उठा भी नहीं जा रहा मुझसे। समरा देखना, अब मैं आ गई हूँ ना, जरा सा भी बोर नहीं होने दूंगी मैं तुम्हें, जानती हो ना तुम मुझे। ये हॉस्पिटल है, कोई घर नहीं है, ये फजूल बातें छोड़े, खुद भी आराम करें और दूसरों को भी आराम करने दें, आखिर इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो जमील, ठीक है। जमील, जाते हुए टीवी ऑन कर देना तुम, चिप्स और बिस्किट भी ला दोगे तो अच्छा होगा। फरीदा, तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है और तुम अभी चिप्स और बिस्किट मांग रही हो,
नर्स प्लीज आप इसे समझाएं वरना समरा का भी दिल करेगा ये सब खाने को। मुझे भूख लग रही है, मैंने कब से कुछ नहीं खाया है। हद है यार। जमीन ला देगा तुम्हें सब, है ना जमीन? बहुत शुक्रिया समरा तुम्हारा। हद ही हो गई। बासित तो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे मैंने उसे कुछ कह दिया है। उसे क्या पता बच्चों की तरबियत का यार। हाँ, और क्या करता वो आपा? अपना घर छोड़कर यहाँ रहता है, हमारी जो भी मुश्किल होती है उसमें हमारी मदद करता है, और कभी आपको इस बात का ताना नहीं दिया उसने। पता नहीं मुझे, और मुझे कैसे पता होगा, आज से पहले मैंने कब किसी के साथ अपनी जिम्मेदारियां बांटी है, ना ही मैंने कभी किसी से मदद ली है। उसे समझनी चाहिए ये बात। अच्छा आपा, आप ज्यादा परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। और जहां तक उसकी बात है, उसे आदत हो जाएगी थोड़े दिन में, लेकिन आपको भी उसको समझने की जरूरत है आपा। मुझे भी यही लगता है। कहाँ गया है वो? क्या तुरान भाई के साथ गया? हॉस्पिटल गया है, नाइट शिफ्ट है उसकी। मैं कल सुबह जब इस्मू को स्कूल लेकर जाऊंगी तो वापसी पर उससे भी मिल लूंगी। आखिर कब तक लड़ते रहेंगे हम दोनों इस तरह? बिल्कुल ठीक है आपा। अच्छा एक बात बताओ तुम, मैं बहुत ओवर रिएक्ट कर रही थी ना पैसों को लेकर, हाँ, कि पैसे कैसे खर्च करने हैं उन्हें बचाने के चक्कर में अजीब हो गई थी मैं। शुक्र है आपको इस बात का एहसास तो हुआ आपा। मैं जरा बच्चों को देख लूं कि क्या कर रहे हैं ये। क्या बेखबर सो रहे हैं ये? शुक्र है सो रहे हैं। आ जाए। अच्छा रहमत, हाँ, मुझे तुमसे एक बात करनी है। जी आपा। क्या दिया को कल सुबह अस्पताल लेकर आ सकते हो तुम अपने साथ? ठीक है, मगर क्यों? देखो मैं बच्चों को सबक सिखाना चाहती हूँ, ठीक है? मैं उन्हें समझाना चाहती हूँ कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। और दिया ही हम में एक ऐसी है जिसके पास बहुत सा पैसा है, और वो बहुत अमीर है, और वो काफी जहीन भी है, इसलिए मैं सोच रही थी कि उसके साथ मिलकर कोई प्लान बनाए हम लोग। हाँ मैं उसको ले आऊंगा आपा, वैसे भी यूनिवर्सिटी जाती नहीं है वो। अच्छा लेकिन क्यों? क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाता। अच्छा। थोड़ा आराम से चले अंकल, आपने तो थका दिया है मुझे। तो मैं क्या करूं, तुम्हें तो मेरे साथ आना ही नहीं चाहिए था, मैं खुद जाकर पैसे ले आता तो ज्यादा बेहतर था। देखिए फिजा आपा, हमें एक पैसा नहीं देंगी, कुछ तो प्लान बनाना होगा हमें। क्या प्लान, कैसा प्लान? बाढ़ में जाए तुम्हारे प्लान, सारे पैसे फिर से उसके पास चले गए और हमारे हाथ में क्या आया, सिर्फ ठहंगा। मैं जा। अंकल बात तो सुने। छोड़ो मुझे यार, छोड़ो। अगर तुमने कोई उल्टी सीधी हरकत की ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, देखना। यहाँ बैठे हैं, तेरे पैसे कहाँ? चलो बताओ मुझे मेरे पैसे कहाँ रखे तुम लोगों ने? बस आते ही पैसों की बात करते हैं। मैंने मना भी किया था मगर सुनता कहाँ है? बाबा आए चले। मुझे सिर्फ मेरे पैसे चाहिए। बाबा पैसे नहीं है यहाँ। मैंने कहा ना मुझे सिर्फ मेरे पैसे दे दो। बाबा एक बात सुन ले आप मेरी, आपकी हरकतों की वजह से बच्चे बहुत बिगड़ गए, और इस हरकत के बाद तो आपको इस घर से एक पैसा नहीं मिलेगा। उन दोनों का तुम्हें नहीं पता, वो तो मुझसे भी कई गुना चालाक है, तुम्हारी तरह नहीं वो। अरे बाबा सो रहे हैं वो लोग, सो रहे हैं। जाएं जाएं यहाँ से, जो करना है जाकर करें, जो जो के साथ घूमना है घूमें, जो प्लान करना है करें, मगर यहाँ से जाएं, यहाँ पर कोई काम नहीं है। चलो 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 तुम निकलो यहाँ से, मेरा घर है यहाँ से, तुम मुझे नहीं निकाल सकते, मैं निकाल सकता हूँ तुम लोगों को। आप यहाँ रह सकते हैं ठीक है, लेकिन तब जब हम लोग ये घर छोड़कर चले जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं आप लोग फिजा आपा? तुम्हें इससे मतलब? चलो निकलो यहाँ से। देख क्या रहे हैं, जाइए। जबरदस्त फिजा, इन लोगों के साथ यही होना चाहिए, सर्दी में बाहर रहेंगे तो इन लोगों के होश ठिकाने आ जाएंगे। चलो बेटा चलो यहाँ से चलते हैं, आ जाओ। अंकल आप रुक जाइए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं बेटा नहीं, तुम इन लोगों को नहीं जानती, मैं इनके साथ ही जाऊंगा ताकि इन पर नजर रख सकूं। खुदा हाफिज। इनकी हरकतें कभी नहीं सुधरेंगी।